वर्किंग ऑफ आईसी है क्या है, एक आईसी कैसे काम करता है पूरा चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मैं आपको, यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिलता है, आप सर्च करके बता दो कहीं पे भी नहीं मिलता आपको। सबसे पहले एक आईसी है, मोबाइल के अंदर बहुत सारे आईसी आ रहे थे, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं अपन। एक आईसी को क्या करते हैं, हम जब काम कराते हैं उससे कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, आईसी क्यों लगा रहे भाई, क्योंकि कोई ना कोई एक सेक्शन के लिए लगा रहे, लाइट के लिए लाइट का आईसी हो गया, ग्राफिक के लिए ग्राफिक का आईसी, चार्जिंग के लिए चार्जिंग आईसी, नेटवर्क के लिए नेटवर्क, ऑडियो के लिए ऑडियो। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, कुछ सप्लायर चाहिए, क्या चाहिए सप्लायर, कुछ इनपुट चाहिए, तभी वो क्या निकालेगी आउटपुट निकालेगी। तो यहाँ पे कोई भी एक आईसी को वह करने के लिए सबसे पहले एक वोल्टेज देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, वोल्टेज जो आईसीओ को दिया जाता है। तो कुछ आईसी को बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज मिलता और कुछ आईसीओ को मिलता है चार्जिंग आईसी के आउटपुट, जिसको हम वीपीए लगती उसी का वोल्टेज ज्यादा ना अंदर, तो बैटरी का ही रहता वोल्टेज, तो बैटरी से निकल के वोल्टेज एक आईसी को मिल रहा है एग्जांपल, ठीक है। जब वोल्टेज मिलता है तो साथ ही साथ उसको ग्राउंड पिन कंपलसरी चाहिए, चाहिए दो पिन रहते हैं, न्यूट्रल फेस चाहिए ना, यहाँ पे भी देखो डीसी मशीन में क्या रहता है हमारे को पॉजिटिव वाले, दो पॉजिटिव लगाए तो चलेगा क्या, दो ग्राउंड लगाए तो नहीं चलता, वोल्टेज के साथ क्या चाहिए लाइन ग्राउंड, ग्राउंड चाहिए ही चाहिए, ये दो तो अपने को इनपुट में मिल गए, ठीक है, एक ग्राउंड और एक वोल्टेज, दो चीज पहले तो देना ही देना हर एक आईसी कोई भी लेने दीजिए। ये मैं क्या कुछ लिखा था यहाँ पे सेक्शन, चार्जिंग है लाइट है ग्राफिक है, हर एक का फंडा यही है, समझ में आ रहा है, ये दो सप्लाई चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हमारा मोबाइल जो है एंड्रॉइड स्मार्टफोन क्या है, अब उसको सीपीयू से कम्युनिकेशन चाहिए, जो भी आईसी रहेगी सीपीयू बोलेगा तो वो वर्क करेगी, समझ में आए। जैसे आपके पास चार बंदे काम करते उन्हें आके अपनी मर्जी से काम करा देता है क्या, सुबह आने का देखो तो ये काउंटर उधर उड़ा के फेंक दे रहा, ये निकाल के नीचे डाल दे रहा, कहीं और रख दे रहा, चलेगा कैश काउंटर पलटा के बाहर निकाल के पड़ जा चलता है। हम जैसा बोले जितना बोले जब बोले उतना ही काम करना रहता, आप काम वाले को रखे तो उसकी मर्जी से कर ले बोले छोड़ देते क्या, क्या करते हैं आप, ऐसी है हम जब चाहे जब खुली लाइट है, हम जब चाहे जब कुछ कर दो, तो ये आईसी जो भी आईसी है चार्जिंग है लाइट है, इसको सीपीयू पहले बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा सीपीयू बोलना पड़ेगा भाई लाइट के लिए लाइट जलाओ, चार्जिंग है चार्जिंग चल करो, ग्राफिक लगाओ, समझ में आ रहा है। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन सीपीयू में, इसमें कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्या कंपोनेंट रहते हैं, कितना वोल्टेज आता है वो आगे, एक दिन मैं ये प्रोटोकॉल के ऊपर ही क्लास लेता हूँ। तीन तरह के आपको कम्युनिकेशन मिलेंगे, एक एसपीआई प्रोटोकॉल, एक आई2सी प्रोटोकॉल और एक आता है इनेबल सिग्नल, समझ में आ रहा है। ये आईसी को सीपीयू के भी आप लोग चेक नहीं करते, हर एक आईसी में रहता है बताता हूँ मैं, क्योंकि स्मार्ट मोबाइल हमारा स्मार्टफोन है, सीपीयू को हर इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, क्या ये आईसी काम कर रही नहीं कर रही, कब करना है, कितना करना है, क्या करना है, इसको इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए। तो इन्हें क्या रख लेता, दो लाइन, एक लाइन का नाम है क्लॉक, क्या नाम है क्लॉक, एस का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, आई टू सी का मतलब होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये फुल फॉर्म्स का मैं आपको पूरा चार्ट देता हूँ, बाद में याद कर लेना, जरूरत नहीं रहती फुल फॉर्म की, मोबाइल बनाने के लिए फुल फॉर्म क्या चाहिए, लेकिन फिर भी कोई याद करना है तो कर लो, मैं दे देता हूँ। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम होता है सीरियल क्लॉक, क्या होता है इसका नाम होता है सीरियल डाटा, क्या होता है इससे डाटा इसको मिलता है, फिर इन्हें काम करने लगी तो फिर इसी लाइन से बोल देती है भाई साहब कर रही हूँ बैठा हूँ, समझ में आ गया। और ये रहता है टाइमिंग के लिए, इसके लिए फ्रिक्वेंसी कितना स्पीड में काम करना है क्या करना है, ये टाइमिंग के लिए, तो क्लॉक और डाटा दोनों लाइन चाहिए चाहिए, समझ में आ रहा है। इसके अलावा आईसीयू के पास किस तरह के कुछ कॉम्पोनेंट रखे रहते हैं, अब ये क्या है भाई, ये एसी चल रहा नीचे से हम एक ड्रेन के लिए पाइप छोड़े टू व्हीलर गाड़ी चला रहे फोर व्हीलर चला रहे पीछे से साइलेंसर से धुआं निकलता उसको बंद कर दे तो गाड़ी स्टार्ट होती, समझ गए। तो ये जो है फ्लाइंग कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आईसी, इसको क्या बोलते हैं अपन, तो ऐसा लगा रहे थे अपन कैपेसिटर, अब ये आईसी जब बनती तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का कंपोनेंट मिलके बनती, तो अंदर भी फिल्टर चाहिए उसको, तो वो कहां लगा रहे थे बाहर, पहले हम लोग ये लाइट्स लगाए थे लेकिन कम पड़ रहे थे, ट्यूबलाइट बाहर से लगाए देख रहे लगाए ना, तो जब आईसी बनता तो कितना होना था करे, लेकिन उनको आईसी बनाने के बाद में लगा के और थोड़ा
बताइए, तो वो लोग क्या कर दिए बाहर। तो ये दो कभी भी मिसिंग नहीं रहना, याद रख लो आप। समझ में आ रहा है? ये मिसिंग हो जाए तो ये सेक्शन हीट होने लगेगा आपका। समझ में आ रहा है? फिर आप आईसी में शॉर्टिंग एबल का आईसी बदलते जाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको निकाल देते, अरे कैपेसिटर में ग्राउंड नहीं आया, जबरदस्त यहाँ से जंपर मारते, इधर कभी मारते हैं, इधर कभी मारते हैं जंपर। 1% में बताया था आपको सीरीज में लगेंगे कैपेसिटर और डायोड। Okay।